जब गश्त करती है और किसी आरोपी को पकड़ने के लिए जाती है तो वह अपने वाहन पर लगे हूटर को बजाती है। हालांकि हूटर बजाने के मायने कई होते हैं, लेकिन आम जन यही समझता है कि पुलिस आ गई। लेकिन हूटर की भाषा को लेकर घाटी गांव के SDOP संतोष पटेल ने समझाया है। उनके हूटर की भाषा के विश्लेषण का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही लखनऊ के ASP मनीषा सिंह ने भी SDOP संतोष पटेल के वीडियो पर ट्वीट किया है। साथ ही इंटरनेट मीडिया पर SDOP का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। SDOP संतोष पटेल ने कोहरे के बीच गश्त देने के लिए निकले, रास्ते में उनके वाहन का हूटर बज रहा था। गश्त के दौरान किसी ने उनसे पूछा कि हूटर बजने का मतलब क्या होता है। तब संतोष पटेल ने बताया कि गश्त में हूटर का जो साउंड रहता है उसके सुनने भर से लगता है कि मैं जाग रहा हूँ, मैं ड्यूटी पर तैनात हूँ। जब किसी आरोपी को पकड़ने पुलिस जाती है तो हूटर का साउंड सुनने पर समझ में आता है कि मैं पकड़ने आ रहा हूँ। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर लिया। इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। घाटी गांव SDOP संतोष पटेल का हूटर को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ तो कई अफसरों ने इस वीडियो को ट्वीट किया। संतोष पटेल के इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर पसंद किया जा रहा है। नहीं रहा, अभी हम लोग गश्त पर थे तो एक व्यक्ति मिले, अभी तो वो पूछ रहे थे कि सर आप लोग हूटर बजाते हैं इसका क्या अर्थ होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हूटर को अगर हम समझे उसको भाषा में तो ये अर्थ होता है कि मैं जाग रहा हूँ। एक पुलिस वाला जब ड्यूटी पे रहता है तो जब हूटर बजाता है तो वो ये कहता है कि मैं ड्यूटी पर तैनात हूँ। और जब कोई चोर बदमाश के लिए पुलिस वाला बजाता है एक और हूटर बजता है, वो इस तरह से बजता है कि वो जैसे गुर्राता है ना शेर, उस तरह से कि बदमाशो मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हूँ। करने के लिए रहता है और रात्रि गश्त में हम लोग हूटर बजाकर गश्त करते हैं और कोई जो बदमाश मिलता है उसकी चेकिंग करते हैं। हालांकि अभी कोहरा है तो कोई मिला नहीं है और इस कोहरे पे कोई यदि व्यक्ति निकलता भी है तो सावधानी से वाहन चलाए, बहुत ही शीत लहर है, ठंड है, कोहरा है। और जय हिंद, जय भारत।